बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में। KGF चैप्टर 2 ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचा दिया है और सारे ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। रॉकिंग स्टार यश की ये फिल्म दोस्तों आज तक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है और इसने रिसेंटली RRR के रिकॉर्ड भी तोड़े। आपको बता दें पहले दिन हिंदी लैंग्वेज में 54 करोड़ की कमाई करके फिल्म ने वॉर थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ के पूरी हिंदी लैंग्वेज में खुद का कब्जा कर लिया था। ये जादू है दोस्तों शानदार कहानी और शानदार एक्टिंग और अच्छी बैकग्राउंड थीम का। अच्छा कंटेंट दोगे तो फिल्में अच्छी चलेगी। रॉकिंग स्टार यश आज भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं अपनी फिल्म KGF चैप्टर 2 के द्वारा। वहीं दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ की कमाई की थी जो कि अपने ही आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लगातार 2 दिन 50-50 करोड़ से ऊपर की कमाई इस फिल्म ने जादू करके दिखाया है। फिल्म को फ़ायदा मिला लंबे वीकेंड का, गुरुवार शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार की भी छुट्टी। तो फिल्म ने दोस्तों शनिवार को भी काफ़ी अच्छी कमाई करके बताया है कि इस फिल्म के लिए दर्शक बार बार सिनेमा घर का चक्कर काट रहे हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ की कमाई करते हुए 3 दिन में 150 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें फिल्म संडे यानी कि आज के दिन भी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली है और एक बार फिर से 50 करोड़ का आंकड़ा आ छुएगी। और फिल्म आज भी 50 करोड़ की कमाई करती है तो हिंदी लैंग्वेज में 4 दिन में हो जाएंगे इसके 200 करोड़ रुपए। वहीं अदर लैंग्वेज भी 4 दिन में लगभग 200 करोड़ रुपए हो चुके हैं, यानी कि 4 दिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इसका 400 करोड़ रुपए। KGF चैप्टर 2 का बजट है दोस्तों 300 करोड़। अपने बजट को इसने 4 ही दिन में पार कर दिया है और फिल्म सुपरहिट का टैग ले चुकी है। देखना होगा कि वर्ल्ड वाइड ये क्या RRR जो 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं, आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। खैर आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।